सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये मेरे चैनल के सेकंड वॉइस ओवर वीडियो है और ये एक टूर्नामेंट गेम प्ले था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे IGL करते हैं, किस तरह से एक टीम को लीड किया जाता है और कैसे एक टूर्नामेंट में चिकन डिनर निकाला जाता है, किस तरह से रोटेशन डाला जाता है, एक IGL का माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक IGL के लिए ये होना चाहिए कि उसका जो माइंड है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर एक IGL जो है वो स्ट्रेस लेकर अगर खेल रहा है या फिर कोई प्रेशर के अंडर खेल रहा है तो वो IGL सही से नहीं कर पाएगा, टीम जो है मतलब परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। IGL का माइंड जो है एकदम फ्री होना चाहिए, हर एक स्ट्रेस से हर एक प्रेशर से फ्री होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड कर सके और गेम को समझना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रखता है IGLing के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ड्रॉप लिए थे, नोवो हमारा ड्रॉप है, तो हम लोग ड्रॉप से व्हीकल लेकर आए थे यहाँ पे। तो देखो आगे क्या होता है, हम लोग लूट करते हैं, फिर उसके बाद हम रोटेशंस देते हैं, सर्कल्स जो रहते हैं थोड़े नॉर्दर्न साइड्स कटते हैं। तो इसमें थोड़ा सर्कलिंग के लिए हमें थोड़ा सा सर्कल प्रेडिक्शंस भी आना चाहिए, अगर नहीं भी आते हैं तो वो सीख जाओगे आप आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही सब कुछ होता है। और ये जो जोन का मेटा होता है वो कोई भी परफेक्टली बहुत कम ही लोग पूरा जानते हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू आप समझ पाओगे कि किस तरह से रोटेशंस मूवमेंट्स किया जाता है। टीममेट्स के बीच सिनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कॉल वगैरह वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक इन्फो वगैरह प्रॉपर इन्फो चाहिए होता है IGL को आगे मूवमेंट करने के लिए। फिलहाल तो यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शन के बाहर जा चुका था, यहाँ पे सर्कल भी कट चुका था, तो हम मार्क लगाते हैं और आगे सर्कल के लिए मूव करते हैं। तो देखो हम सर्कल पे मूव करते हैं और एक अच्छा पोजीशन पकड़ के किस तरह से फाइट निकालते हैं। माइलेज नहीं दे रहा है यार तुम्हारा पीछे, हम तुम मेरा पीछे हो नंबर 3। अच्छा फायर दे रहा था अचानक से जोन में, अगला सर्कल भी जो रहता है वो वहीं पे कटता है जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था। और देखो हम आगे मूव करते हैं और एक अच्छा पोजीशन पकड़ कर किस तरह से गेम निकालते हैं। ये हमारे लोकेशन पर पहुंचते साथ साथ सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने व्हीकल को सेव किया और अपने सारे टीममेट्स को कॉल दे दिया कि किस किस तरफ किस बंदे को रहना है और कहाँ पे सब लोकेशन पता करना है, सब बंदे को स्पॉट करना और किल्स निकालना है। तो यहाँ पे एक बंदे को नॉक डाला था रनब्लेड ने, सर्कल जो था काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टीम्स जो एंटर करने की कोशिश कर रही थी। एक अकेला यही कंपाउंड था जो सर्कल के अंदर था और एक स्नाइपर टावर था जहाँ पे हमारे बंदा था। तो हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेम सेंस दिखाया और हमने काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पे सारे कंपाउंड्स को ले लिए ताकि टीम्स को पोजीशन नहीं मिले। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं मेरा जो सेटिंग बटन रहता है वो थोड़ा दिक्कत दे देता है, तो मैं उसे चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है गाड़ियाँ फ्लश करने की, आपके एनिमी टीम के व्हीकल जोन को अगर आप फ्लश कर दोगे जोन में एंट्री लेने से पहले तो सामने वाली टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और लास्ट में जाकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा उन बंदों को मारने में, ताकि वो बंदे जो है बाई फुट आएँ क्योंकि उनके पास व्हीकल्स नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। लैग हो रहा है बहुत, ऊपर रिजल्ट नहीं देख रहा, पीछे देख रहे यहाँ से। मैं अपने टीममेट्स को बार बार कॉल्स दे रहा था कि यहाँ पे बंदे हैं और पीछे भी बंदे हैं, तो वहाँ पे मैं सब मार्क कर करके उनको बता रहा था, दे रहा था कि
कहाँ कहाँ बंदे हैं और उस लोकेशन पे सब एक एक बंदे करके नज़र रखें ताकि हमारे कंपाउंड पे कोई भी स्लैम ना आए और प्रॉपर हम फाइट ले सके एक एडवांटेज के साथ। एक बंदा को मार दिया Mark the location. एक मेरा नहीं नहीं मेरा नहीं है राघव का दो शायद अभी नहीं। यहाँ पे हमारा जो बंदर रहता है वो नॉक हो जाता है जो स्नाइपर टावर पे रहता है, बट हम उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करते क्योंकि स्नाइपर टावर जो रहता है ऑलरेडी जोन से बाहर हो जाता है और जो सर्कल रहता है वो हमारे पास रहता है ऑलरेडी, हम तकरीबन स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं तो हमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है गेम निकालने में और बंदे भी ज़्यादा नहीं बचे जाते हैं तो, और वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फो भी दे देता है बंदों का। तो देखो आगे हम गेम किस तरह निकालते हैं। स्मोक्स करने होगा ना जोन बढ़ना है। इसी तरह हमने ये गेम निकाला और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मेरा लैग हो रहा था यार बहुत।